नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर्थिक साक्षरता के तहत मेला आने वाले लोगों को जागरूक कर रहा है। यहां नए नोटों के फीचर समेत लोगों को उनके अधिकारों के प्रति साक्षर किया जा रहा है, साथ में डिजिटल माध्यम से जुड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रगति मैदान के हॉल संख्या 18 में लगे आरबीआई के स्टॉल में लोग अपने सवाल लेकर भी पहुंच रहे हैं। कोई यहां 500 और 2000 रुपए के ऐसे नोटों की वैधता जानना चाह रहा है जिन पर कुछ लिखा हुआ है, तो कोई बैंक के खिलाफ शिकायत करने के तरीके के बारे में जानकारी मांग रहा है, किसी को 10 रुपए के सिक्कों की स्थिति के बारे में जानकारी चाहिए। आरबीआई के अधिकारियों ने बताया, केंद्रीय बैंक पहले भी इस संबंध में भ्रम दूर कर चुका है। मेले के दौरान लोग हमसे 500 और 2000 रुपए के नए नोटों पर कुछ लिखा होने की स्थिति में उनकी वैधता पर सवाल कर रहे हैं। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि नोट पर कुछ लिखा होने या रंग लग जाने की स्थिति में भी वह वैध है, बैंक उन्हें लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं।